हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ सोनाली मैम। आई एम टीचिंग यू सब्जेक्ट केमिस्ट्री ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। तो चैप्टर नंबर जो सेकेंड है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अपन देख रहे हैं, दैट इज द टर्म्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब जो है चैप्टर का नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें अपन ने देखा है कि मतलब जो अपन टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, तो टाइट्रेशन को बोला जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं अपन? क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी अपन उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें जो है, तो जो सब्सटेंस ब्यूरेट में प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है टाइट्रेंट। ब्यूरेट में जो प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है? टाइट्रेंट। एंड जो कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है टाइट्रेट। ब्यूरेट में जो प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है टाइट्रेंट। एंड कॉनिकल फ्लास्क में जो प्रेजेंट रहता है और उसको बोला जाता है टाइट्रेट। इन दिस वे एक एक ड्रॉप अपन सॉल्यूशन ब्यूरेट में से कॉनिकल फ्लास्क में डालते हैं और उसका एंड पॉइंट अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन रहता है उसकी नॉर्मलिटी या मोलरिटी अपन को पता रहती है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अपन की नोंद रहती है। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर अपन अभी देख रहे हैं कि मतलब जो सॉल्यूशन है वो कितने कॉन्सेंट्रेशन का बना है, कितने मोलरिटी का बना है, कितने नॉर्मलिटी का बना है, उसके हिसाब से वो टर्म्स अपन देख रहे हैं, टर्म्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जब अपन सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सोल्यूट कितना भी लेंगे, सॉल्वेंट कितना भी लेंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर अपन को टेम्परेचर आता है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको एक टैबलेट लेनी है, तो अपन एक ही टैबलेट लेते हैं। मतलब इन द सेंस जो उतना ही क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस अपने बॉडी में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, एंटर करते हैं, तो दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। अगर ज्यादा लेते तो भी अपन को प्रॉब्लम होती है, कम लेते हैं तभी भी अपन को प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो सब्सटेंस है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में अपन को लेना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। तो टर्म्स टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन में अभी अपन दो टर्म देखने वाले है, दैट इज मोलरिटी। मोलरिटी इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम। किससे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल एम से। देन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस दैट सोल्यूट डिसॉल्व इन सफिशियंट सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। ठीक है, मतलब इन द सेंस जो अपन सॉल्यूशन बनाते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में रहता है उसको सोल्यूट बोला जाता है, जो लार्ज क्वांटिटी में रहता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है, और जो सॉल्यूशन मिक्सअप करके, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करके जो बनता है उसको बोला जाता है सॉल्यूशन। तो सोल्यूट सॉल्वेंट जो है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी में अपन को लेना चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूट कितने इसमें लिया है बोलते, तो मोल्स में लिया है। The number of gram moles of the substance dissolved in sufficient solvent to produce 1 dm³ solution। मतलब solute को किसमें dissolve किया है? Solvent। और solvent generally होता है water, क्योंकि maximum substance जो है वो water में dissolve हो सकते हैं, तो इसीलिए water को बोला जाता है solvent। Then मोल्स मतलब उस सब्सटेंस का मास एंड मोलर मास। ठीक है, तो उस सब्सटेंस का अपन को मास भी पता रहना चाहिए, उस सब्सटेंस का अपन को मोलर मास भी सब्सटेंस का पता रहना चाहिए, दैट इज सोल्यूट का। ठीक है, द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी। मतलब जो सोल्यूट है उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो कितना सॉल्यूशन बन गया आपका? 1 dm³ सॉल्यूशन। और 1 dm³ सॉल्यूशन जो है उसी को बोला जाता है मोलरिटी। मोलरिटी उसकी एक डेफिनेशन है, और एक मोलरिटी इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द सोल्यूट पर dm³ एंड इट्स मॉलिकुलर वेट।
द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला. ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला, मतलब सेकंड डेफिनेशन और एक है, दैट इज द वेट ऑफ सोलूट पर डीएम क्यूब. एक डीएम क्यूब में कितना वेट ऑफ सोलूट प्रेजेंट है, उस रेशियो को बोला जाता है मोलरिटी. फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू वेट ऑफ सोलूट पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलूट. मोलरिटी इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम. मोलरिटी अपन किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं. मतलब उस सोलूट का वेट एक डीएम क्यूब में कितना है डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलूट. उस सोल्यूट का मोलिकुलर वेट कितना है, इसका जो रेशियो है उसको बोला जाता है मोलरिटी. देन नेक्स्ट टर्म है, दैट इज द नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एम. नॉर्मेलिटी किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल एम से. नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन सफिशियंट सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी मतलब क्या है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस और किसमें डिसॉल्व किया है, इनटू सफिशिएंट सॉल्वेंट. और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन है तो उसको बोला जाता है नॉर्मेलिटी. सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस पर डीएम क्यूब इज कॉल्ड एज नॉर्मल सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कौन सा, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस पर डीएम क्यूब इज कॉल्ड एज नॉर्मल सॉल्यूशन. तो नॉर्मेलिटी कैसे इंडिकेट की जाती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोलूट पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट. नॉर्मेलिटी इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल एन. और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ सोलूट पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट. देखिए मोलरिटी में क्या करते हैं अपन, वेट ऑफ सोलूट पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलूट. ठीक है, मतलब उस सब्सटेंस का सोलूट का वेट पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलूट. और यहाँ पे कौन सा लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोलूट पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट. मतलब सिंपल फॉर्म में दोनों में एक ही डिफरेंस है, यहाँ पे मोलिकुलर वेट ऑफ द सोलूट डिवाइडेशन में लेते हैं और नॉर्मेलिटी में क्या लेते हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट. इन दिस वे आज का जो टॉपिक है, दैट इज द नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी. थैंक यू सो मच.